पूर्वांचल में कहर बन चुके हेंसेफेलाइटिस के उपचार के लिए शासन द्वारा एक ऐप जारी किया जा रहा है जो 4 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्टॉप JEES की जानकारी देते हुए शुभम त्रिपाठी और नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ऐप में गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी अस्पताल जुड़े होंगे। कोई भी मरीज इस ऐप से इलाज की पूरी जानकारी ले सकता है। बैठक में CMO सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वो मोबाइल जैसे ही होना चाहिए, मोबाइल जैसे हो जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, इमेज करा लो, आगे पीछे करा लो, मोबाइल शेप में तो देखते हैं, पढ़ते हैं तो लगता है चलो की तरफ से इन्फॉर्मेशन उस दिन आपको दी गई थी, वो SP सर ने साफ कर दिया कि मैंने तो इसमें हम लोगों ने ये फैसिलिटी दी है कि जैसे भी डॉक्टर्स पहुंचते हैं तो कई जगह पे होता है कि इमरजेंसी सर्विसेज नहीं हुई, लेकिन जैसे भी पहुंचे तो स्कूल में कोई बच्चा उनको अग्रेसिव पाया गया तो उस समय पे वो लोग इमरजेंसी सर्विस यूज कर सकते हैं, या बच्चे को कोई माइनर प्रॉब्लम्स है मतलब जो मेजर इश्यूज है तो उसके लिए अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो जाता है तो वहाँ पे पहले से CMS के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि ये बच्चे लाइन अप हो रहे हैं इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो प्रायोरिटी से उनको ट्रीट करेगा। मतलब अभी तक ये हो रहा था कि बच्चे ट्रीट नहीं हो पा रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा पैटर्न बना दिया और वो सारी चीजें DM सर को अपने फोन में दिखाई दी। एक बार हमने पूरा वो कराया था, वो स्टेट ने अडॉप्ट कर दिया, पूरे UP में होगा। अभी तीन मंडल में अभी तो पायलट में चल रहा, उसके बाद पूरा UP में एक्सपेंड होगा। अब उसको जो चेक करा दिया गया, मतलब आपको DM सर के पास भी एक लॉगिन दे दिया गया है, सर वो आपके पास भी एक लॉगिन है, MD सर के पास भी एक लॉगिन है, और उसके बाद नीचे जितने भी हैं YC उनको एक लॉगिन दे दिया कि सबके पास डिटेल आती रहेंगी। तो सर आपके लिए भी एक फ्रंट स्क्रीन में सबको दिखाई देगा कि कितने बच्चे रेफर हुए, कितना बार ट्रीटमेंट हुआ, तो सर आपको भी अपने हाँ वो तो सर मैम आपको मेडिकल कर लेना। क्योंकि सर वहाँ पर प्रॉब्लम्स ये होती है ना कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन